नमस्कार, मैं अप्रिया। आज है 22 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीपीएससी 66वीं भर्ती परीक्षा में आवेदन भरने की तारीख में हुई बढ़ोतरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब 28 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी। जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने 66वीं बीपीएससी परीक्षा की वैकेंसी में भी बढ़ोतरी की है। कैमूर जिले के भभुआ स्थित तेलहर कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तेलहर कुंड भारत के बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अघोरा रोड पर स्थित एक झरने का नाम है। यह दुर्गावती नदी के पास रोहतास स्तर पर स्थित है। यह दुर्गावती स्टोर वेंचर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कुंड भभुआ कैमूर जिला प्रमुख क्वार्टर से 32 किलोमीटर और मोहनिया से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान परिवार या साथियों के साथ प्रकृति को निहारने के लिए बेहद ही रमणीय स्थान है। हालांकि आउटिंग के लिए आने जाने वाले लोगों को अपने सभी पोषण पानी आदि से अवगत करना चाहिए, क्योंकि इस कुंड के क्षेत्र में कोई भी दुकान या बाजार नहीं है। शारदा सिन्हा ने मास्क पहनकर वोट देने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। अलग अलग सेलिब्रिटी भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के पद्मभूषण शारदा सिन्हा ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मतदान के दौरान कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों से भी रूबरू किया है। मैंने प्यार किया फिल्म में गाय के गाने के तर्ज पर ही उन्होंने अपना संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने मास्क लगाकर सभी मानकों का पालन करते हुए वोट देने की अपील की है। बीएसईबी ने कक्षा 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई 5 नवंबर तक। बिहार बोर्ड ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं के नियमित कोटि के छात्रों के रजिस्ट्रेशन तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान ने 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अभी तक यह तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी। इसके साथ ही जिन छात्रों ने 15 अक्टूबर तक पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पाए हो, ऐसे छात्र भी 5 नवंबर तक शुल्क जमा करवा सकते हैं। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1277 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,08,238 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 38, अरवल में 8, औरंगाबाद में 25, बांका में 14, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 35, भोजपुर में 34, बक्सर में 4, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 65, गया में 46, गोपालगंज में 11, जमुई में 9, जहानाबाद में 18, कैमूर में 5, कटिहार में 25, खगड़िया में 6, किशनगंज में 38, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 41, मधुबनी में 20, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 69, नालंदा में 60, नवादा में 23, पटना में 308, पूर्णिया में 53, रोहतास में 19, सहरसा में 41, समस्तीपुर में 19, सारण में 29, शेखपुरा में 27, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 24, सिवान में 28, सुपौल में 39, वैशाली में 21, पश्चिम चंपारण में 11, वहीं बीते 24 घंटे में 196,208 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,019 लोगों की जान जा चुकी है। आयकर विभाग ने 5 जिलों में की छापेमारी। चुनाव आते ही राज्य भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में आयकर विभाग ने भी बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 5 जिलों में सिल्क कारोबारी और ठेकेदारों के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार ने गोपनीय सूचना के आधार पर एक सिल्क कारोबारी, सरकारी ठेकेदार और खाद्य विभाग के एजेंट के आवास दफ्तर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में यह कदम उठाया गया है। इस दौरान विभाग को नकदी, ज्वेलरी और अन्य कागजात के अलावा लेन देन की कई सारी एंट्री मिली है, जिनका आयकर रिटर्न में कोई भी जिक्र नहीं है। इस दौरान आयकर विभाग ने राज्य भर में चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस जांच के लिए कुल मिलाकर 10 टीमों का गठन किया गया था। सीमांचल में फर्जी शादी रोकने वालों को ही वोट देने की ठान चुकी हैं लड़कियां। आगामी विधानसभा चुनाव में सीमांचल विधानसभा सीट पर पहले चरण में मतदान करवाया जाना है। हालांकि यहां रहने वाली लड़कियों ने उम्मीदवारों के सामने एक अनोखी मांग रखी है, जिसके तहत लड़कियों के एक समूह ने स्थानीय उम्मीदवारों से फॉर्म भरवाकर इस बात का लिखित भरोसा लेने का काम कर रही है कि यदि विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो क्षेत्र में फर्जी शादियों और लड़कियों के खिलाफ हो रहे वाक्यों पर पूर्ण विराम लगाएंगे। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे सीमांचल के
जिले में दुर्गा जत्था के सदस्य बनी कई नाबालिग लड़कियां उम्मीदवारों से संपर्क कर उनसे शपथ पत्र जैसा एक फॉर्म भरवा रही हैं कि यदि वो चुनाव जीते हैं तो स्थानीय लड़कियों की जिंदगी को तहस नहस कर देने वाले फर्जी शादियों के कुत्सित गतिविधियों के खिलाफ कदम उठाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में जोड़े गए 35 करोड़ रुपए। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बिहार में आयोजित होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा पैसों को बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 35.27 करोड़ रुपए को बरामद किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण बनाने के तहत चलाए जा रहे मुहिम में अब तक 35.27 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2015 में 23.81 करोड़ रुपए, लोकसभा चुनाव 2019 में 16.68 करोड़ रुपए और लोकसभा चुनाव 2014 में 8.71 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद 1464 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रेहान खान की। रेहान खान का जन्म बिहार के कैमूर जिले में हुआ था। रेहान खान एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में ही बिहार के लिए अपनी सूची ए की शुरुआत की थी। उन्होंने 6 दिसंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018 में ही बिहार के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। रेहान खान को हालांकि अब तक बड़े स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला है, मगर उन्हें जितने मौके दिए गए हैं उतने में उन्होंने अपने साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर आज होगा मतदान। बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक और पटना शिक्षक सीट के लिए मतदान 22 अक्टूबर यानी कि आज करवाया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस चुनाव में पटना, नवादा और नालंदा जिला शामिल है। तीनों जिले के स्नातक सीट के लिए 181 और शिक्षक सीट के लिए 80 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई है, साथ ही सभी केंद्रों पर अर्धसैनिक बल को भी तैनात कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज होने वाले चुनाव में मॉनिटरिंग की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग कार्यालय से की जाएगी। एम्स पटना के वरिष्ठ रेजिडेंट के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान पटना ने वरिष्ठ रेजिडेंट के रिक्त पदों पर भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। जिन युवाओं ने संबंधित विषय में एमडी डिग्री प्राप्त की हुई है और अनुभव है, वो इन पदों के लिए 6 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एमडी एमएस डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह ध्यान रहे उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर होगी। पुलिस स्मृति दिवस पर सशस्त्र सीमा बल के शहीदों को श्रद्धांजलि। पटना में बीते दिन कर्पूरी ठाकुर सदन परिसर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसएसबी सीमांत पटना के महानिरीक्षक प्रदीप कुमार गुप्ता ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक अपनी ड्यूटी को सत्यनिष्ठा के साथ निभाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात 264 पुलिसकर्मियों ने देश की सेवा में जान गंवाई है, जिनमें सशस्त्र बल के 15 बलकर्मी अपने कर्तव्य निष्पादन के दौरान गुजर गए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बीते दिन आयोजित समारोह के दौरान स्मृति परेड और बंद दस्ते की तरफ से भी शोक शस्त्र का नमूना पेश किया गया। पटना यूनिवर्सिटी के नए एकेडमिक कैलेंडर को मिली स्वीकृति। पटना विश्वविद्यालय में नवंबर तक स्नातक और पीजी में नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। कक्षाओं का संचालन दिसंबर महीने से आयोजित करवाया जाएगा। मंगलवार को एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करवाया गया था। इसमें नए एकेडमिक कैलेंडर को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही मगध महिला कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को दिया निर्देश। बिहार में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत सभी राजनीतिक पार्टियां जनसभाओं का आयोजन करने में जुटी हुई हैं। बिहार में स्टार प्रचारकों की रैलियों में जमा हो रही भीड़ ने चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ा दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर करते हुए सभी राजनीतिक दलों से बात की है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में कोरोना के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना को लेकर कुछ दिनों पहले अपनी चिंता जाहिर की थी, जहां उन्होंने साफ कहा था कि लॉकडाउन हटा है, कोरोना नहीं। हालांकि बिहार में कोरोना के प्रभाव के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
राजनाथ सिंह ने बिहार की धरती पर नागरिकता कानून की फिर दोहराई बात। आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, वहीं चुनाव में जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतर रही भाजपा नीत एनडीए के लिए वोट मांगने के लिए बड़े बड़े नेता भी अप्रचार करने के लिए उतर गए हैं, जिसके तहत बिहार की धरती पर बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा का संबोधन किया था। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से नागरिकता कानून का जिक्र किया। भागलपुर के कहलगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून बनाना हमारा संकल्प था, इस संकल्प को हमने पूरा किया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के लिए भारत सरकार का यह कदम अहम था। सीबीएसई ने 50% सिलेबस नहीं कम करने की कही बात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में 50% सिलेबस कम नहीं किए जाने की बात कह दी है। इसको लेकर बोर्ड ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है। बोर्ड के मीडिया प्रभारी रमा शर्मा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सिलेबस को लेकर बोर्ड की तरफ से 50% तक सिलेबस को कम करने के फैसले को लेकर अब तक मुहर नहीं लगाई गई है। फिलहाल बोर्ड द्वारा सभी स्कूल में सिलेबस को लेकर राय मशवरे की मांग की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए स्कूल के सिलेबस को कम करने की खबर लगातार आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने वाले नेताओं और अधिकारियों का होगा कोरोना टेस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में रैलियों का आयोजन करवाया जाना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, जिसके तहत ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मंच साझा करने वालों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। प्रधान सचिव के निर्देश के मुताबिक रैली स्थल से वीवीआईपी एरिया में तैनात सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने वाले लोगों का कोरोना जांच करवाया जाएगा, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पास ना मिशन और ना विजन होने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन डेहरी विधानसभा से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार बहादुर सिंह के समर्थन में ओकोढ़ी गोला अंतर्गत प्रेमनगर हाई स्कूल मैदान में जनसभा का संबोधन करने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास ना तो कोई मिशन है और ना ही कोई विजन है। केवल 15 साल तक सत्ता सुख भोगने का कार्य किया है और गरीबों को छलने का काम किया है। कोरोना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीब मजदूरों को बिहार में घुसने नहीं देने की बात कहते थे और ये बिहार चलाएंगे। भाजपा ने तीसरे चरण के लिए जारी किया स्टार प्रचारकों की सूची। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में इस बार नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 30 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की गई है। अन्य स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद रॉय और अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, सांसद मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रूडी, गोपाल जी ठाकुर, अजय निषाद और सतीश दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज सेन, मंत्री नंदकिशोर यादव और मंगल पांडे, विधान पार्षद संजय पासवान और सम्राट चौधरी शामिल है। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा ने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्णय के आलोक में पार्टी ने तीसरे चरण के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सभी स्टार प्रचारक एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने जारी किया अपना विजन डॉक्यूमेंट। अपनी मां का आशीर्वाद लेकर बीते दिन चिराग पासवान ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। पार्टी के घोषणा पत्र में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि पिता रामविलास पासवान की 51 साल के राजनीतिक अनुभव में यह तैयार किया गया है, जिसमें युवा आयोग का गठन, काबिल डॉक्टरों की नियुक्ति, अस्पतालों में समुचित व्यवस्था, दुग्ध उद्योग को प्राथमिकता, समान काम समान वेतन लागू, प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से मंत्रालय का गठन, कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका मित्र को वेतन, बिहार में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, साथ ही प्रखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय, बाजारों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय का निर्माण, साथ ही बाढ़ और सुखाड़ को रोकने के लिए राज्य की सभी नदियों को कैनाल बनाकर जोड़े जाने का ऐलान किया गया है। राजद से अलग होकर कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बदलाव पत्र जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने अपनी तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही महागठबंधन सरकार राज्य की सुजनी, खटवा, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली आर्ट आदि कलाओं को बढ़ावा देगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं तथा एक महिलाओं का सम्मान स्वरूप प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वहीं महागठबंधन सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर एवं पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पशुपालकों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही दूध के क्रय विक्रय केंद्रों को बढ़ाया जाएगा। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करवाएंगे।
आईपीएल के प्लेऑफ में 3 टीमों का जाना हुआ तय। आईपीएल के 13वें संस्करण में अब मैच अंतिम दौर में पहुंचने की कगार पर है। अब तक कुल मिलाकर 37 मुकाबले खेले जा चुके हैं। वहीं इस साल प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीनों टीम के नाम की घोषणा हो चुकी है। हालांकि बाकी बचे 5 टीम के बीच लड़ाई जारी है। इस सीजन में अब तक के खेले गए मुकाबलों को अगर देखें तो साफ पता चल जाएगा कि तीनों टीम ने बाकी 5 टीम के मुकाबले अच्छा खेल दिखाया है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम शामिल है। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी के पहले दोनों का गाना हुआ लॉन्च। सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। वहीं इसी बीच हाल ही में दोनों के रोके की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। वहीं अब इन दोनों का नया गाना भी लॉन्च हो गया है। गाने का नाम नेहू दा व्यार रखा गया है। गाने को बीते दिन ही रिलीज किया गया है। आपको बता दें, इस गाने में रोहन प्रीत और नेहा के लव लाइफ की पूरी जर्नी दिखाई गई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जारी किया नया फीचर। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुर्गा पूजा के माहौल में अपने यूजर के लिए नया फीचर रोल किया है, जिसके तहत यूजर इस बार दुर्गा पूजा का आनंद वर्चुअल माध्यम से भी उठा सकेंगे। इस नए फीचर में आपको AR फिल्टर्स और स्टिकर की सुविधा मिलेगी। इस फीचर की मदद से यूजर स्टोरीज, रील्स, फेसबुक पोस्ट और कंटेंट प्रोग्रामिंग लॉन्च किए गए हैं। इन फीचर्स को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, क्योंकि दुर्गा पूजा में हिस्सा लेने में लोग काफी संख्या में इकट्ठा होते हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो करना मुश्किल है। इसलिए यूजर के सुविधा के लिए अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए फीचर का उपयोग करके वर्चुअली दुर्गा पूजा में हिस्सा लेकर घर बैठे बैठे सेलिब्रेट कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,650 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,650 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है परमराज, जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरजकांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंद किशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी त्योहारी सीजन में बिहार वासियों को चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।